आपके साथ। जयपुर से 14 महीने पहले किडनैप हुए 11 महीने के बच्चे कुक्कू उर्फ काना को पुलिस ने ढूंढ लिया है। बच्चा अब 2 साल का हो चुका है। बुधवार को पुलिस ने किडनैपर से बच्चा लिया तो मासूम रोने लगा। बच्चा वापस किडनैपर के पास जाने के लिए रोता रहा। टीम बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास पहुंची तो भी वह आरोपी के पास जाने की जिद करता रहा। बच्चे को किडनैप करने वाला आरोपी हेड कांस्टेबल तुनत चाहर भी बच्चे को रोता देख भावुक हो गया। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल तनुज चाहर 11 जून 2023 को 11 माह के बच्चे को वाटिका से किडनैप किया था। 3 दिन बाद 14 जून 2023 को पुलिस थाना सांगानेर सदर में बच्चे के माता पिता ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उनके घर पर 4 आदमी आए और उनके साथ महिला का एक परिचित मामा तनुज चाहर भी था। आरोपी ने घर में घुसते ही महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। बचने के लिए पीड़ित पास ही में अपने भाई के घर भागी। वह भाई को लेकर पहुंची तब तक तनुज बच्चे को लेकर भाग निकला। आरोपी का दावा था कि बच्चा उसका है, उसी के साथ रहेगा। वह महिला को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। इसी मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपी तनुज को यूपी के गोंडा से अरेस्ट किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस को टिप मिली थी कि आरोपी मासूम के साथ मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में कुटिया बनाकर रह रहा है। इसके बाद जयपुर से 22 अगस्त को पुलिस की एक विशेष टीम मथुरा पहुंची। यहां 2-3 दिन तक अलग अलग जगह आरोपी तनुज की तलाश की गई। टीम को जानकारी मिली कि 27 अगस्त को आरोपी अलीगढ़ के गोंडा गया है। वहां उसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चा भी उसके साथ था। पूछताछ में सामने आया कि महिला के बेटे को अपना बेटा मानता है। बच्चे को किडनैप करने के लिए 9 महीनों तक जयपुर में भिखारी बनकर आरोपी ने रैकी भी की थी। वह पुलिस के तौर तरीकों से वाकिफ था, इसी वजह से इतने लंबे समय तक पुलिस से बचता रहा। डीसीपी ने बताया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाकर साधु बनकर रह रहा था। आरोपी अपने पास कीपैड फोन ही रखता था। जब भी इसे किसी से बात करनी होती थी तभी वह फोन ऑन करता था। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।